बात करते हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट की, जो दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर भी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। उनके सामने आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती हैं। तो देखना होगा कि चैन की बांसुरी कौन बजाएगा और क्या भारती भारत की लोकसभा में अपनी जगह सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन इस सीट पर जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, उसके मन में क्या है, मिजाज जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा। क्या उम्मीद है नई सरकार से इस बार? जी, हमारी उम्मीद यही है नई सरकार से कि हमें सोच बदलनी चाहिए, ताकि जिस तरह से पहले से भारत का चिड़िया माना जाता था इस देश को, उस तरह से भारत का चिड़िया हम लोग सब बनाए। और ये हमारी सरकार पे डिपेंड नहीं पड़ती है, ये हम पब्लिकों पे डिपेंड पड़ती है। हम सब पब्लिक की सोच बदलनी होगी तो हमारा भारत ऑफ कोर्स बदल जाएगा। और निश्चित तौर पर इसी सोच के साथ मतदाता मतदान की तैयारी भी कर रहे हैं। आप इधर आए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमेश है। मैं चाहता हूँ एजुकेशन और शिक्षा पे बहुत जोर दिया जाए जो नई सरकार बनेगी, और साथ ही साथ जो रोजगार की परेशानी युवाओं में है, उस रोजगार को भी बहुत ज़्यादा सख्ती से पालन किया जाए, और व्यवसाय को जो जैसे फ्रीडम दी जाती है, ऐसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए। दिल्ली को और बेहतर करने के लिए क्या करना होगा नई सरकार? देखिए, दिल्ली को बेहतर करने के लिए सबसे पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है उसमें और अच्छी सुविधाएँ उनको उपलब्ध कराना चाहिए। और प्रदूषण एक संकट रहा है यहाँ पे हमेशा से, दिल्लीवासी जो है नवंबर दिसंबर में जूझते हैं, पूरे साल भी प्रदूषण रहता ही है। जी सर, उसके लिए सरकारों को सोचना चाहिए, और सरकारों को उसके लिए कोई ना कोई ऐसा कानून अधिनियम पास करना चाहिए जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। और जो कचरे के ढेर हमको दिखते हैं दिल्ली में हर जगह, कभी खबर आती है उनमें आग लग गया, कभी कचरे का एक ढेर का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। सर, इसको तो आप निगम की नाकामी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, अब कचरा हो रहा है तो उसमें तो सर कोई ना कोई ये है, ये इशू है उसमें, लेकिन फिर भी केजरीवाल तो सरकार अपने से बहुत कोशिश कर रही है और दिन पर दिन बेहतर कर रही है। युवा की सबसे बड़ी बेरोजगारी की प्रॉब्लम, इंडिया सरकार जो वादा कर रही है, मतलब मुद्दे की बात कर रही है, वो करेगी। हम लोग को उम्मीद है, एनडीए सरकार से भी हम लोग उम्मीद किए थे, 10 साल देखे, लेकिन रोजगार के मामले में काफ़ी फेल है वो सरकार, इसलिए इन साल इंडिया गठबंधन जी नई सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि जितने सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार जल्द से जल्द।